मेरी मां भी तू तू मैं की मेरी माता छान गई कुत्ते भौंकन दिए इन्होंने छान मेरी माता गई भी इन्हे कली जनानी तो न्याणे घर सी छोटे कुत्ते शराब पी के बकवास कर रहे दोनों प्यो पुत नाल हराम थी ओदी भैन है जीना इन्होंने हराम किया महले साडा कंजरो को शर्म कर लो वाले तुसी पहला भी कुत्ते तुसी वाले सी डेढ़ साल इत्थे गंद पाई रखिया उन्होंने बोलदी आ गई फालतू तुसी कर दियो रोटी पानी आराम किया सवेरे सात बजे लोग भजन पूजा करते हैं इन्होंने घर गाल गए रोज होंगे तुहानू बुलाओ भाजी पहले गर्म गर्म दौड़ना आराम जाए भजना जान है चोर कट्ठे किते हो गंद इन्होंने महल्ले च पाया जो शराब पी के हंगामे करते हैं कहते जो मर्जी करिए जी सा मर्जी जी कानून है ही देश कट्ठे च पाए ते खाली करन ना करन अज पहले नबेड़ लिये चुले च पाए हाजे लो अपना सारा घर ही दियाओ साडा की जांदा देखो गल तो सियानी जो आप घर च किराया लैना को लैना बंदा पहले देखो भी थाने एक स्पेशल अपने झगड़े तू तू मैं गाली गलोच मालक ने रोकया भी तू तू मैं न्याणे ना भी हो जनानी आई भी आंदा ही है मुंडा भी आंदा प्यो भी आंदे मां भी आंदे उस तो बाद जो मेरी माता सतविंदर कौर ने 65 साल की लेडी ने जाके रोकया भी तू तू मैं किता कहते अभी जो मर्जी करिए अपने घर ए लुट नहीं मची इस देश दे विच कानून दा राज है इस देश दे विच जिन्हें रहना ढंग ना रहे नहीं तो जाए उसे जंगल च जाके आपस एक दूजे दे सिर पाड़े इत्थे गाली गलोच करना उच्ची बोलना न्यूसेंस क्रिएट करना महल्ले वालों का जीना आराम करना अलाउड नहीं है सो मैं अपने वालों अजे शिकायत दी है इन्हों नूं इत्थों कढ़िया जाए इन्हों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्हें शराब पीती उहदा मुलाजा कराया जाए असीं इन्हों नूं महल्ले च नहीं रहन देना नहीं तो मैं इत्थे सड़क ते धरना मारूंगा जिम्मेवार आओ बिल्कुल मारकुट आई है जिदी जिम्मेवार पुलिस होएगी पुलिस प्रशासन होएगा मैं इत्थे सड़क ते धरना मारूंगा अपने साथी लाके फिर इन्हां दी अपनी जिम्मेवारी मालक मकान है जिन्हां ने रखिया सी उन्हां ने वेरीफाई कीता उन्हां दा वर्षन तुसीं आप लै लो उन्हां दी भी गलती है उन्हां नूं बिल्कुल इदां दे बंदे इत्थे नहीं रखने चाहीदे कहिंदे 4 महीने तो सानूं किराया नहीं मिला कढ़ देणगे दी भी कोई गल करदे वेरीफिकेशन भी इन्हां ने नहीं कराई होई कोई पुलिस वेरीफिकेशन नहीं होई इन्हां दी इदां ही रख्या होया इत्थे सो इन्हां दी पूरी पूरी जिम्मेवारी है असीं इत्थे नहीं आउण देणा मेरी माता ने देखना या मैं देखना असीं टोकना ही टोकना असीं किसे नूं गालां नहीं कढ़न देणियां तू तू मैं नहीं आउण देणा लड़ाई झगड़ा इत्थे नहीं आउण देणा असीं महल की नुई शांति खराब नहीं होनी नुई सत क्रिएट नहीं होनी सो मैं अपने वालों शिकायत देती है पुलिस उन्होंने हमने इन्होंने उत्ते कार्रवाई करे अदरवाइज मैं पुलिस प्रशासन के उत्ते इत्थे केस करूंगा सो आ मेरे वालों दरखास्त है जी मैं पुलिस प्रशासन दे चुका किथे वो बंदे जिहड़े जिन्हां ने कीती सी उपर पहली मंजिल ते आ फड़ो लै जाओ इन्होंने गाली गलोज नहीं की दीदी जी गल ऐसा है ना कि मैं कम से ते मेरे मम्मा आए सी ठीक है ना ते वो पानी के चक्कर च ना आपस इन्हों का झगड़ा होया ठीक है ते मैनू मेरे दीदी जी ने फोन किया ठीक है ते दीदी कहते कि ऐदा गल मम्मी ने जुत्तियां मारन की गल कह रहे आंटी सामने ले ते मैं कहा दीदी तुसी 10 मिनट रुको मैं आना आया ते मैं 10 मिनट होए मैं आया ते मैं आंटी जी नूं मैं आंटी जी नूं यही कही मैं कहा आंटी जी तुसी क्यों किसी दी गल दे विच बोल रहे हो आंटी तुसी क्या से जुत्तियां मारनियां एक मिनट गल सुनियो आ बच्चियां नूं पुछ लो इहदी भैण आके मैनूं कहिंदी इहदे जुत्तियां मारनियां ते गालां जिहड़ियां कढ़ियां सानूं नहीं पता मेरे मम्मा जी ने पहले आंटी मैं बोल रही की चलो कमरा पहला कर दूंगा बस तब ला तू थले मैं समाती ने मैं तेरा जुतिया मार की नाम है तेरा मेरा नाम सुनम है मैं सुनम कर मैं क्या बुड्ढी बोल दी भैया कि तुसी वेरीफाई किता जो किराए दा रखे सी मैं ना नु सी क्या सीधार कर मेरे ख्याल से ला मैं खाली कर दूंगा बस ते कहंदे बुड्ढी बोल दी भैया ते मैं क्या कोई नहीं मां बुड्ढी है मैं भी बुड्ढी है मैं क्या मां भी तो बुड्ढी है मैं क्या कोई गल नहीं एदा भरा आएगा मैं आके गल कर लांगी कोई मतलब नहीं बकवास करने का इतने पिछे मकान मालक भी लगे हुए हैं इन्हों का कसूर इन्होंने बिना वेरीफिकेशन के इतने रखा सा जीना आराम किया है इन्होंने इतने रहा नहीं चाहते साढ़े को तो मुर्दा बहुत इन्हों की खबरदार इतने गंद पाया महल भौंक दिखाए कोई इतने जीन देना इतने साढ़ा जीना आराम किया इन्होंने सारे ने रल के
सवेरे 7 बजे भजन पूजा का टाइम होंगे गाली गलौज कर देंगे आपस में दफ्तर का सारा मेरा काम प्रभावित होया इन्होंने लोगों के करके भौंके दिखाए इतने कोई दरवाजा बंद कर रहे दरवाजा बंद करना बाजा नहीं बंद हो जाएगा आजाद देश है हर एक जीने का अधिकार है असी कह दी गल तू कहना की करना है आया क्यों नहीं इतना जीना आराम करना महल वाला अपना सिर मार लिया कंध में जा महाराज उत्थे मार नहीं हल बड़ आ की है चल मिनी तू इधर आ अगे आ ते मामला यह है जी एडवोकेट साहब ने सानू फोन किया आ गया वैसे एडवोकेट बिलकुल सही है बंदे गुआंढी मारे है ये रोज इन्हें जो आख्या पाठ पूर्ण करते अगे भी कंप्लेट आई है हूं भी ऐसा ही साढ़े को लिखती आ गई है जो कानून की धारा में चल कुछ इन्होंने परचा दवा एडवोकेट हरमिंदर सिंह जी का घर आदि घर के बिल्कुल सामने जेड़े एक घर आ घर एक किराएदार रेंदे ने सो उन्हों का रोज का जोड़ा कलेश बढ़ता जा रहा है उन्होंने मालक मकाना के नाल इस बार जोड़ा कलेश उन्हों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका सो कलेश बढ़न के कारण जोड़ा उन्होंने गाली गलौज करने तो बाद जड़े उन्होंने दसया जा रहा कि हरमिंदर सिंह संधू जी जोड़े माता जी आ उन्होंने भी अपशब्द जोड़े इन्होंने किराएदारा वालों बोले गए हैं सो हरमिंदर संधु जी वालों जी कंप्लेट दर्ज थाना नंबर डिवीजन 5 दे विच जिहड़ी दे दित्ती गई आ सो हुण की बनेगा इस कार्रवाई का सो जुड़े रहने लई धन्नवाद मैनू दिओ इजाजत देखते हैं होर भी जे इस केस दे नाल कोई भी रिलेटड अपडेशन मिलेगी सो मिलदी रहेगी धन्नवाद।